नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उस नई पार्टी के, उस नए चेहरे के, उस बड़े नेता के जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी की। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि कर्नल साहब गंगोत्री विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं और वहीं से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नल साहब गंगोत्री के अलावा एक और विधानसभा पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और वो सीट है राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि कर्नल अजय कोठियाल को दो दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा हुई? आखिरकार क्या वो वजह रही कि वो गंगोत्री सीट से के अलावा धर्मपुर पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारे सूत्रों के अनुसार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री के अलावा राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि 2017 में जिस तरीके से हरीश रावत ने दो दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े, उसी तरह कर्नल अजय कोठियाल भी दो दो विधानसभा सीटों से 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए आपको दिख सकते हैं। वो दोनों सीटें हैं गंगोत्री विधानसभा सीट। ये सीट उन्होंने इसलिए चुनी थी, उनका ये कहना था कि जो इस सीट से विधायक बनता है प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है। यानी कि वो चाहते थे कि वो उस सीट से जीतें और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। लेकिन जब वो गंगोत्री से इतनी अच्छी तैयारी कर रहे थे तो आखिरकार क्या उनके मन को सूझी कि वो राजधानी देहरादून की भी धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें? वो भी आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कर्नल अजय कोठियाल जान चुके हैं, जी हाँ जान चुके हैं कि गंगोत्री में उनकी दाल नहीं गलने वाली। यानी कि आम आदमी पार्टी का झंडा गंगोत्री विधानसभा सीट में नहीं चलने वाला, इसलिए वो राजधानी देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही कर्नल साहब धर्मपुर में भी तैयारी करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ समझने की और भी ज़रूरत है कि आखिरकार पूरे प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों में से ही उन्होंने गंगोत्री सीट ही क्यों चुनी थी, वो तो आपको हमने बताया। लेकिन अब 70 विधानसभा सीटों में से उन्होंने धर्मपुर सीट क्यों चुनी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कर्नल साहब चाहते तो केदारनाथ विधानसभा सीट को चुन सकते थे, क्योंकि 2013 के पुनर्निर्माण यानी आपदा के बाद जो काम किए गए वो उसके गुणगान गाते हैं कि उनके द्वारा बेहतर काम केदारनाथ में किया गया, केदारनाथ को बसाने में किया गया। तो आखिरकार कर्नल साहब केदारनाथ से क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? दूसरी, उनका जो पैतृक गांव है जहां के वो रहने वाले हैं उन क्षेत्र से क्यों वो नहीं लड़ना चाहते? आखिरकार राजधानी देहरादून की धर्मपुर सीट ही उनको इतनी क्यों भाती है, ये भी आपको बताएंगे। अब बात की जाती है धर्मपुर विधानसभा सीट की। इस सीट से वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के विनोद चमोली, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को भारी मतों से हराया था। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि धर्मपुर विधानसभा सीट पे हमेशा से ही, यानी कि जब से धर्मपुर विधानसभा सीट बनी तब से ही कांग्रेस का कब्ज़ा था। 2017 में भाजपा के कब्ज़े में ये सीट गई, यानी कि कुछ बदलाव 2017 से लेकर अभी तक उस सीट पर हुए हैं। अब कर्नल अजय कोठियाल चाहते हैं कि वो भी धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। उसकी मुख्य वजह ये है कि उस सीट पर जो पहाड़ी वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी वोट बैंकों में जो सेना के प्रति हैं वो बहुत अच्छी छवि है और वो चाहते भी हैं कि सेना से जुड़े हुए लोग उनके प्रतिनिधि बने। और यही वजह है कि कर्नल अजय कोठियाल ने धर्मपुर विधानसभा सीट चुनी। लेकिन धर्मपुर विधानसभा सीट में भी क्या कर्नल अजय कोठियाल की दाल गलेगी या नहीं, ये तो 2022 के विधानसभा का
जो इंतज़ार किया जा रहा है चुनाव के बाद जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार जो किया जा रहा है उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इतना बड़ा चेहरा, बड़ी राजनीति और सबसे बड़ी चीज़ कि पार्टी के सीएम के चेहरे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गंगोत्री सीट के अलावा एक और सीट पर नज़र डालनी पड़ी अपने को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए। तो उसके पीछे की वजह भी ये बताई जा रही है कि पार्टी के द्वारा कराए गए सर्वे और अन्य लोगों द्वारा कराए गए सर्वे में कर्नल अजय कोठियाल उस सीट पर सबसे पीछे पाए गए। यानी कि ये तो साफ था कि गंगोत्री में आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं बनते हैं। तो विधायक बनने के लिए कर्नल अजय कोठियाल ने धर्मपुर विधानसभा सीट चुनी है। अब देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में क्या कर्नल अजय कोठियाल विधायक बन पाते हैं, क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी एक सीट कमा पाती है, या फिर 2022 में भी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ नया कर नहीं पाती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।